भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वे बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में मैदान पर वापसी से होने वाले शानदार अनुभव का जिक्र भी किया। पृथ्वी शॉ दरअसल सितंबर में अपना घुटना चोटिल कर बैठे थे, इस कारण पिछले 3 महीने उन्हें आराम भी करना पड़ा। इस दौरान वे बड़े घरेलू टूर्नामेंट जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी भी नहीं खेल पाए। अब जब उन्हें फिर से बल्ला थामने का एक मौका मिला है तो वह बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने नेट प्रैक्टिस वीडियो के साथ ये भी लिखा है कि 3 महीने बाद क्या शानदार एहसास हो रहा है। बता दें कि पृथ्वी शॉ फिलहाल टीम इंडिया से तो लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन आईपीएल में वे लगातार नजर आते हैं। हालांकि आईपीएल के पिछले कुछ सीजन भी उनके लिए अच्छे नहीं रहे। पिछले सीजन में उन्होंने 8 मुकाबलों में महज 106 रन ही बनाए थे, जहां इस खराब प्रदर्शन के बाद भी दिल्ली फ्रेंचाइजी ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन किया है। पृथ्वी शॉ भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में भी अपने बल्ले से खूब ताबड़तोड़ रन बनाए। यही कारण रहा कि इस खिलाड़ी को जल्द ही टीम इंडिया से बुलावा आ गया। साल 2018 में ही पृथ्वी शॉ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था। हालांकि नियमित तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण वे टीम में जगह नहीं बना सके। अब तक उनके हिस्से महज 5 टेस्ट मैच, 6 वनडे मुकाबले और 1 T20 मैच ही आया है। वे आखिरी बार जुलाई 2021 में भारतीय टीम की जर्सी में नजर आए थे, जहां एक बार फिर नए आईपीएल सीजन में पृथ्वी शॉ के पास एक मौका होगा कि अपनी पिछली बल्लेबाजी की छाप को एक बार फिर यहां पर दिखाते हुए नजर आए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में आप अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।